समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कुक्षी में 100 साल से अधिक पुराने मकानों की संख्या अनगिनत है, जहां नगर पालिका के रजिस्ट्रार में दर्ज होने के बाद भी नगर पालिका की तरफ इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज सवेरे 7 बजे नगर के माली मोहल्ले के जीर्ण शीर्ण मकान ढह गए हैं। गनीमत इस बात की रही कि जीर्ण शीर्ण मकान में रह रहे किराएदार ने कुछ दिन पहले ही मकान की हालत खराब होने से मकान मालिक को खाली करने की बात कही थी, तो वहीं ढहे हुए मकान से लगा हुआ मकान भी गिरने की कगार पर है। आपको बता दें कि ढहे हुए मकान के पड़ोसी कैलाश मिस्त्री का कहना है कि सुबह 7 बजे जब हादसा हुआ, ये घटना बच्चों के स्कूल टाइम होती तो जनहानि बड़ी हो जाती। आपको बता दें कि इसी पर अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही है, एसडीएम पुलिस और नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना था। नगर पालिका के निर्माण समिति के अध्यक्ष संजय शिरवी ने बताया कि हमने मकान को जीर्ण शीर्ण देखते ही 5 दिन पहले ही नोटिस जारी किया था। ऐसी घटना जब हो रही थी तो आपने पूर्व में किसी को अवगत करवाया था क्या? हाँ, वार्ड नंबर 7 के पार्षद को अवगत कराया, उसके बाद वार्ड नंबर 12 के पार्षद को अवगत कराया, उसके बाद संबंधित मकान मालिक को भी अवगत कराया था। ये घटना कब की है? ये सवेरे 7 बजे। कोई जनहानि में? कुछ भी नहीं। अगर ये लेट गिरता तो बड़ी जनहानि हो सकती है। हो सकती थी, स्कूल टाइम में अगर गिरता तो बच्चे डर सकते थे। ये जो घटना हुई है, इस घटना में आप चिंतित हो कि जनहानि नहीं हुई है, क्या कहना पड़ता है इसका? चिंतित है, इसकी घटना पहले दे चुके हैं और सेल्स बाग भी गिलेट में सुनो हो गया, उसको थोड़ा जाना है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई सूचित कर रहे हैं पुलिस को, नगर पालिका को और एजेंट साहब को, ताकि इसको गिरा के जान माल के हानि नहीं हो, इसलिए कार्रवाई करेंगे। क्या नाम? राजेंद्र गुप्ता द्वारा इसको जीर्ण शीर्ण घोषित किया जा चुका है और व्यक्तिगत सूचना भी हमने 2-3 बार दे चुके थे, उसके बाद में ये हुआ है। ये अच्छा हुआ कि कोई हादसा इसके जनहानि नहीं। और दूसरी बात ये है कि जिसे सूचना दिए तो कौन से दिनांक को दी थी, कब तक के दी है, ये उसी जानकारी है? 5 दिन हुए हैं, 5 दिन पहले दी थी। 5 दिन पहले सूचना दी अभी? हाँ, अभी 5 दिन पहले भी गिर चुका था ये एक बार। हाँ, कुछ हिस्सा गिरा था, उसी दिन हमने सूचना जारी कर दी। क्या नाम है अपना? संजय सिरवी। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।